गोल-गोल लीची बनाना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शाली। आज मैं 6 मिनट में खट्टी मीठी कैंडी बनाऊंगी। इसको बनाना बहुत सिंपल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए खट्टी मीठी कैंडी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 200 ग्राम इमली ली है और इसके बीज जो होते हैं वो निकाल के अलग कर लिए हैं। और ये हमने बिल्कुल इमली ले ली है, सूखी इमली ली है, बिल्कुल इसके बीज अलग कर लिए हैं। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा मिक्सी के जार में डालते हुए पीस लेते हैं। अच्छे से इसे हम पीस लेते हैं। ये देखिए हमारी इमली जो है वो पिस गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इमली की कैंडी आप घर पे बना के रख दीजिए, और कभी भी आपका कुछ खट्टा मीठा खाने का मन कर रहा हो आप बच्चे को टॉफी के रूप में भी दे सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई गैस पे रखते हैं, इसमें हम 200 ग्राम गुड़ डाल देते हैं और गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। इसे चलाते रहते हैं हम और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है और ये बड़े लोग, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। आप इसे एक बार घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी और आगे भी आप ऐसी रेसिपीज देखना चाहते हैं या नहीं। ये देखिए कि हमारा ये जो गुड़ है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसे हम चलाते रहते हैं। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा, बहुत हल्का सा पानी डाल देते हैं। इससे जब हम अभी इसमें इमली डालेंगे वो अच्छे से इसमें स्टिक होकर आ जाती है, अच्छे से वो मिल जाती है गुड़ में जैसे ही। और इसे हम अच्छे से चलाते रहते हैं। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें काला नमक डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर थोड़ी कम ही डालिएगा आप, क्योंकि अगर आपको कम तीखा खाना पसंद है तो। और जीरा पाउडर इसमें हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जीरा पाउडर से इमली कैंडी में टेस्ट भर जाता है, बहुत अच्छी लगती है। छोटे छोटे मसालों से पता नहीं चलता है लेकिन इन्हीं से ये इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें इमली जो हमने पीस कर रखी थी वो इसमें हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स कर लेते हैं, गुड़ में बिल्कुल इसे मिला लेते हैं। ये देखिए गुड़ में ये एकदम अच्छे से मिल गई है। अब हमें इसे जब तक पकाना होता है जब ये बिल्कुल एकदम एकजुट ना हो जाए। ये अभी आप वीडियो में देखेंगे, आप इसे देखिए आपको समझ में आ जाएगा हमें कितना पकाना था। ये देखिए हमारा एक साथ बन के आ रहा है, ये मतलब हमारा बिल्कुल ये इमली कैंडी बनने के लिए तैयार है। इसे अब हम गैस बंद कर देंगे, उसे ठंडा होने देंगे। इसे हम थोड़ा गाढ़ा ही रखते हैं। ये देखिए हमारे लिए ठंडा होने के बाद बिल्कुल टाइट गाढ़ा बन गया। इसी से हमारी इमली कैंडी बनती है। अगर आपका पतला रहेगा पेस्ट तो आपकी इमली कैंडी अच्छे से नहीं बन पाएगी। अब हम इसमें से थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे और इसे गोल गोल कर लेंगे। थोड़ा इसका हार्ड ही रहता है इसका पेस्ट जो है। और ये हमने पिसी हुई शक्कर ली है, आप बूरा भी ले सकते हैं। इसमें हम इस कैंडी को रोल कर लेंगे, जो हमने गोल गोल शेप दिया, एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम कैंडी बनाते हैं। ये आप मत समझिए कि इतना हार्ड है आपको खाने में टेस्टी नहीं लगेगा, नहीं, ये बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि आप भी मार्केट की कैंडी लेकर आते हैं वो भी थोड़ी हार्ड होती है। अगर हम इसमें हार्ड पेस्ट नहीं बनाएंगे तो वो ऐसे नहीं रहेगी। और अगर आपने जो है नॉर्मल पेस्ट या फिर ऐसे ही पेस्ट बना लिया जो हार्ड ना हो तो आपकी कैंडी अच्छी नहीं बन पाएगी। इस तरीके से मेरी कैंडी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कैंडी पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।